हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पदार्थ उर्ध्वपातन द्रव्य और अंतरांगिक आकर्षण बल के बारे में। दोस्तों, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ये शब्द कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता रहता है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे टर्म हैं जो हमें कहीं ना कहीं किताब में देखने को जरूर मिलता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पदार्थ के बारे में। पदार्थ को अंग्रेजी में कहा जाता है मैटर। पदार्थ का मतलब क्या होता है? मैटर। अब देखिए, पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी दुनिया का कोई वस्तु उठा लीजिए, जैसे मेरे हाथों में चौक है, तो ये चौक क्या है? ये भी एक प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि चौक में क्या है? द्रव्यमान है और ये स्थान क्षेत्रता है। मतलब दुनिया की कोई भी वस्तु उठा लीजिए जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो रुकावट उत्पन्न करता है। रुकावट उत्पन्न करने का मतलब क्या है? देखिए, हमारा बोर्ड भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ ही है, क्योंकि बोर्ड को जब हम धक्का दे रहे हैं तो बोर्ड क्या हो रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है और बोर्ड हमारे ऊपर भी बल लगा रहा है, तो ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है यानी रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब देखिए, सुगंध जो होता है ना, सुगंध पदार्थ नहीं है। आप अब दुनिया में सारे चीज का मतलब ये मत समझिए कि सुगंध भी पदार्थ हो जाएगा। सुगंध जो स्मेल होता है वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान आयतन नहीं है, तो सुगंध है। तो आपको समझ में आ गया कि पदार्थ का मतलब क्या होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ उर्ध्वपातन के बारे में। उर्ध्वपातन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिला होगा सुनने को। देखिए, उर्ध्वपातन को अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। अब उर्ध्वपातन क्या होता है? उत्पातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे वो वाष्प बदल जाता है, और फिर जब उस वाष्प को ठंडा किया जाता है तो बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पातन कहते हैं। जैसे कपूर का आप लोग कपूर जरूर देखे होंगे। कपूर क्या होता है? जैसे ही उसको खुली वायु में छोड़ते हैं तो क्या होता है? बिला जाता है, गायब हो जाता है। तो बिना द्रव में बदले सीधे ही गायब हो गया। और भी नौसागर भी उदाहरण हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी उदाहरण हो सकता है, जो क्या होता है कि बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प बदल जाता है। लेकिन फिर उसको जब उस वाष्प को जब ठंडा किया जाता है, तब फिर बिना द्रव में बदले सीधे पदार्थ की मूल अवस्था में आ जाता है। ये एक मतलब भौतिक प्रक्रिया है, इसको प्रयोगशाला में किया जाता है तो ऐसे हो जाता है। तो आपको उत्पादन समझ में आ गया, उत्पादन के मतलब क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ द्रव्य के बारे में। देखिए, द्रव्य को अंग्रेजी में अल्टोइक फ्लूइड कहते हैं। अब द्रव्य क्या है? तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अनेक प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी के उदाहरण ले लीजिए। चीनी भी क्या है? एक द्रव्य है। जल में विलीन चीनी का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है। और वाष्पीकरण के बाद जो चीनी प्राप्त होता है और पहले जो चीनी था, उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो चीनी क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। तो द्रव्य मतलब समझिए यही, कि बस इतना ही समझिए कि द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अनेक प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता, वही क्या होता है? द्रव्य होता है। अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ अंतरांगिक आकर्षण बल के बारे में। अंतरांगिक आकर्षण बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आणविक आकर्षण बल को इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस बल के बारे में तो देखिए, ये जो बल होते हैं पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, उन्हीं के बीच ये बल कार्य कर रहा है। अंतरांगिक आकर्षण बल किसे कहते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच जो बल लगते हैं उसे हम लोग अंतरांगिक आकर्षण बल कहते हैं। ये पदार्थ के बीच जो कण होते हैं, उनके बीच जो छोटे छोटे जो रिक्त स्थान होते हैं, उन्हीं के बीच ये बल लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरांगिक आकर्षण बल। आपको याद रखना है कि ये पदार्थ के कणों के बीच में ही बल लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को पदार्थ उर्ध्वपातन द्रव्य अंतरांगिक आकर्षण बल के बारे में काफी अच्छे से वर्णन करके बताया हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर हमें जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।